हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं बीआर चौधरी। मैं विकास कुमावत। स्वागत है आपका गुरु नीति के एक नए एपिसोड में, जिसमें अपन सॉल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन के अपन ने दो पार्ट किए थे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा था विकास सर? फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। बिल्कुल। इसके अलावा हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। इसके अलावा अपन ने वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, हाँ, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ, वो भी डिस्कस कर ली। बिल्कुल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आयोटा इंक्लूड होगा। बिल्कुल, वाटा फैक्टर आई इंक्लूड होगा, और डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीएफ है, या फिर पाई है, यानी कि क्वथनांग में उनियन है, हिमांक में अवनमन और प्राशन है और प्राशन दाब। ठीक है, तो देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। X3Y2 है और इसके लिए आयोटा दे रखा है 5। बिल्कुल। When reacted with A2B3, इसका आयोटा भी 5 है, इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन कलर। इन दोनों की रिएक्शन से ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दीज आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एसपीएम से सेपरेट है ये। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज, ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा? तो देखो, इस साइड में X3Y2 दे रखा है जिसका आयोटा कितना है 5। उस साइड में A2B3 है जिसका आयोटा कितना है 5 है। 5 है। और ये कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा होता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। अच्छा, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा सर, हाइपर वर्ड्स का मीनिंग कुछ बता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होता है अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। अच्छा, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक और जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक। बिल्कुल ठीक है सर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है तो थोड़ा सा सर ऑस्मोटिक प्रेशर में एक्सप्लेन कर दें। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के कारण डेवलप होता है। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जस्ट आपने ये जैसे यहां वाटर ले रखा है और एक इन्वर्टेड थिसल फनल है आपके पास, इन्वर्टेड थिसल फनल है जिसमें सॉल्यूशन लिया हो, ओके, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें ले रखा है सॉल्यूशन। अच्छा, यानी कि सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर जो है ये सेपरेटेड बाय एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट। ठीक है, खास बात होती है सर इसकी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली इससे होकर के सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही ये परमिट करती है, इससे होकर के सॉल्वेंट के पार्टिकल ही गुजर सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूट के इसमें से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। अब देखोगे तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन की ओर जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट का, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कहे तो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ओके, थ्रू एसपीएम, एसपीएम होना जरूरी है। हाँ, एसपीएम के थ्रू लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कह दो, अगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कह रहा है तो लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया। बिल्कुल, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में अगर डेफिनेशन दे तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट, और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर डेफिनेशन दे ऑस्मोसिस की तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखे तो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अब यहां पर प्योर वाटर है आउटसाइड में और इनर साइड में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, आउटसाइड में ज्यादा है, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है या वाटर के पार्टिकल है ये एंटर होंगे थिसल फनल। अच्छा, इसके कारण इस लिक्विड के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेवल ऊपर जाएगा, ये इंक्रीज होगा। तो ये जो लिक्विड का लेवल राइज हुआ है ना, ड्यू टू ऑस्मोसिस हुआ है, तो यहाँ जो प्रेशर अप्लाई होगा इस लिक्विड के लेवल को यहाँ से यहाँ तक, ये जो लिक्विड कॉलम है ये जितना प्रेशर लगाएगा, हाँ, ये जितना इस हाइट को अप करने में जितना प्रेशर यूज हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, और ये अगर फाइंड आउट करें तो अपन ये बताते हैं कि प्रेशर इक्वल होता है बाई ए के। बिल्कुल, और ये वर्क अपॉन में वॉल्यूम के। अच्छा, तो ये जो लिक्विड के लेवल को यहाँ से यहाँ तक राइज करने में जो डब्ल्यू है वो एम जी एच के इक्वल होगा, तो एम जी एच अपॉन में वी हो गया, तो एम बाई वी किसके इक्वल है? डी के, डेंसिटी। तो अपन कह सकते हैं पाई इक्वल होता है डी जी एच, डी जी एच या रो जी एच। ठीक है, ओके, तो डी जी एच या रो जी एच। बिल्कुल ठीक है, अब वापस से चलते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की तरफ। बिल्कुल, अब अपन बात कर रहे थे कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो पाई किसके इक्वल होता है? पाई इक्वल होता है आयोटा सी आर टी के। ठीक है, पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी। आर वैसे भी गैस कॉन्स्टेंट है, कई बार इसको
और सॉल्यूशन एस भी लिखा जाता है। ओके ठीक है, ठीक है, वैल्यू वही है। टी टेम्परेचर है, तो आपको कोई टेम्परेचर के बारे में कोई बात करनी रखी, बिल्कुल ये वैसे भी कॉन्स्टेंट है, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई इंटू सी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा इंटू सी, बिल्कुल ठीक है। तो जिसका आयोटा इंटू सी ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक है, और जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक। तो अब आप आइडेंटिफाई करो, देखें बिल्कुल चेक करते हैं सर, इसकी कंसंट्रेशन 0.5 दे रखी है, बिल्कुल, और इसका आयोटा 5 दे रखा है, तो 0.5 इनटू 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2.5 ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं, तो 0.01 इनटू इसका आई जो है वो भी कितना होगा, 5 ही होगा, तो इसका हो जाएगा अपने पास 0.05, यानी कि ये वाला सॉल्यूशन तो कैसा है अपने पास, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाँ ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, और ये वाला कम है तो ये हाइपोटोनिक, ठीक है। तो अब नेट मूवमेंट कहां से कहां की ओर होगा, सॉल्वेंट का, पहले सॉल्वेंट की बात करें, क्योंकि एसपीएम ओनली परमिएट्स सॉल्वेंट पार्टिकल, ओनली किसके लिए, किसको परमिट करेगी, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट इस तरह, यानी कि अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर इधर से इधर आएगा, यानी वाई टू एक्स आएगा वाटर, बिल्कुल। अब अगर वाई टू एक्स आ रहा है तो ये तो दोनों मिले ही नहीं, फिर नहीं, ये परमिट करती नहीं ना, ये ना तो इस सॉल्यूट को परमिट करेगी ना इस सॉल्यूट को करेगी, एसपीएम का मतलब ये ओनली किसको परमिट करती है, सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट को परमिट। अगर सॉल्वेंट का कोई ऑप्शन होगा तब तो अपन बता देंगे वाई टू एक्स, और अगर सॉल्वेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ब्राउन कलर के फॉर्मेशन की ऑप्शन है, तो इनमें से कहीं पर भी किसी भी साइड में ब्राउन कलर का फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्शन तो होगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ना तो ये इधर जा पाएगा ना ये सिंगल पार्टिकल, ना तो ये इधर आएगा ए टू बी थ्री ना एक्स थ्री वाई टू उस साइड में, ओके बिल्कुल। तो ये ब्राउन कलर से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ब्राउन कलर फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, तो नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में ब्राउन कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्राउन कलर का फॉर्मेशन इन दोनों की रिएक्शन से हुआ है, बिल्कुल, और ये दोनों मिक्स होंगे ही नहीं, तो मिक्स नहीं होंगे, इसका मतलब ब्राउन कलर का फॉर्मेशन किसी भी कंपार्टमेंट में। अब इसमें अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर ऑप्शन दे रखा होता तो अपन बता देते फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई टू एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ, ठीक है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड था, बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये मैसजा कॉलम का क्वेश्चन है, इजी सा, देखोगे मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द एप्रोप्रिएट सॉइस, इनमें से एप्रोप्रिएट सॉइस को मार्क करना, बिल्कुल। तो फर्स्ट में दे रखा है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। सेकंड में दे रखा है बेंजीन एंड टोलुइन, ओके। थर्ड में हेनरीज लो एंड राउल्ड, ये तो सर हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले अपन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हेनरी लॉ किससे रिलेटेड है, ये गैसियस सॉल्युबिलिटी, क्या क्या बताता है हेनरी लॉ, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट किस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, लिक्विड इन सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, ठीक है। तो ये इसका सेकंड हो गया, हेनरी लॉ का सी का सेकंड हो गया, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए बेंजीन एंड टोलुइन, ये किसका एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, सी के लिए सेकंड था। इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब दोनों मिलाएंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बिल्कुल, और वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से ज्यादा आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव साइड डेविएशन, तो पॉजिटिव साइड में डेविएशन हो या नेगेटिव साइड में डेविएशन हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सर का फॉर्मेशन करेंगे, ये सर ये इसमें थोड़ा डाउट, एजियोट्रॉपिक मिक्सर का मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर है, मतलब कंप्लीट मिक्सर का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जैसे आपके पास में टू लिक्विड है, ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ठीक है। अब इनसे एक पर्टिकुलर इनका जब एक कंसंट्रेशन लोगे, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर एक ऐसा मिक्सर मिलेगा जिसका जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट है 75 डिग्री सेल्सियस, कंप्लीट मिक्सर, मतलब ये है कि दोनों जो है वो 75 पर एक साथ बॉइल होंगे, बिल्कुल एक साथ, एक साथ इनकी वेपर का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहेंगे अपन लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ओके, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। और यदि ये 110 डिग्री सेल्सियस अगर हो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से जो भी ज्यादा उससे ज्यादा आए, हाँ, तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर, अच्छा, तो ये तो फॉर्मेशन कहाँ होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन में फॉर्मेशन होगा और वो नेगेटिव डेविएशन, अच्छा, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो ही एजियोट्रॉपिक मिक्सर बना, मिक्सर का फॉर्मेशन करता है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना पाए, बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सर का फॉर्मेशन नहीं करते, इसीलिए इजीली सेपरेट कर सकते हैं अपन,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फिर तो इसका मतलब ये है कि आइडियल सॉल्यूशन को हम कभी मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग कर ही नहीं सकते, कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो गया कंप्लीट मिक्सर का, वन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डेविएशन वाला होता तो भी इसके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सर करेक्ट था। इसका मतलब ए के लिए फोर करेक्ट, ठीक है, बी के लिए अपन ने बता दिया थ्री है, सी के लिए सेकेंड है, और राउल्ट लॉ के लिए देखते हैं तो ये राउल्ट लॉ ये किसके लिए, ये सॉलिड इन लिक्विड के लिए, डेल्टा पी बाई पी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउल्ट लॉ जो है ना ये मेनली लिक्विड इन लिक्विड के लिए, जहां पर ये होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये लिक्विड इन लिक्विड के लिए। बट अगर सॉलिड को लिक्विड के अंदर ऐड करोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी डॉट बी एक्स बी, और ये रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, बिल्कुल। तो ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राउल्ट लॉ अप्लाई होता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए, और एक इसका स्पेशल केस है कि ये किसके लिए अप्लाई भी हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये इसका फर्स्ट आ गया। अभी ये देख लो ए के लिए, तो ए के लिए जो है वो अपना कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है, ए के लिए फोर्थ वाला मैच कर रहा है, तो यहीं से पूरे हो गए। बी के लिए थ्री, बी के लिए सी के लिए टू, और डी के लिए डी के लिए वन, बिल्कुल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, और अपन ने काफी इससे रिलेटेड बात भी की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। ये डायग्राम दे रखे हैं, ओके, और आपको इनसे इनको मैच करना है इन ऑप्शंस से, ठीक है। तो ये देखो ये जो दे रखा है ना, ये वेपर प्रेशर और कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है, जो डॉटेड लाइन है ये तो है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ये पी नॉट ये है, जैसे एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स वन मोल फ्रैक्शन वैसे दिया नहीं है, अपन सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं एक्स टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक की मोल फ्रैक्शन जीरो है, दूसरे की मोल फ्रैक्शन वन, टू प्योर स्टेट में है, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ ओनली प्योर है, जैसे ये कंपोनेंट ए के लिए कहें तो ये पी नोट ही है, ठीक है। अगर अपन ये लेके एक्स टू सॉल्यूट के लिए, और यहाँ पर एक्स टू जीरो हो गया, इसका मतलब एक्स वन वन है, तो ये पी नोट भी है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये जो ग्राफ दे रखा है ये सोल्यूशन के लिए, ये आइडियल सोल्यूशन के, आइडियल सोल्यूशन, मतलब ये रियली ये है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। और ऐसे ही अगर कहेगी पी बी किसके इक्वल होगा तो पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब मैं जो ले रहा हूँ ना सॉल्यूट वो एक्स टू ले रहा हूँ, एक्स टू इज इक्वल टू वन है, तो एक्स टू इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन वन है, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए। अब इस साइड में जाओगे तो एक्स टू डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल, एक्स टू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पी ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये तो पी ए का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर ये पीबी की वैल्यू क्या होगी, तो पीबी किसके इक्वल है पी नोट बी एक्स बी की, तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू कितनी है जीरो, इसका मतलब पीबी जीरो होगा, तो यहाँ पर ये पीबी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ जाते ही मैक्सिमम हो गया पी नोट बी की, और पी ए प्लस पीबी को अगर ऐड करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल के लिए, ओके, इफ पी ए मोर देन पी नोट एक्स हो, पी ए मोर देन पी नोट एक्स हो, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसे ही अगर पीबी मोर देन P नोट बी एक्स बी हो तो पॉजिटिव डिग्री, और लेस देन हो तो नेगेटिव डिग्री। इसका मतलब ये जो ग्राफ दे रखा है एक्चुअल वेपर प्रेशर जो है वो ये आना चाहिए था, लेकिन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन को, और वो जो है नेगेटिव डेविएशन, और यहाँ पर एक्चुअल से कम मिल रहा है तो ये वाला जो है वो नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है सर। अब यानी ऑप्शन में हमें ये चूज करना है, आपको वो पेयर आइडेंटिफाई करना है जो फर्स्ट में ये जो पॉजिटिव डेविएशन का हो और सेकंड में जो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे अपन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये नेगेटिव डेविएशन का है, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड एंड वाटर नेगेटिव डेविएशन का, इसका मतलब ये गलत हो गया। वाटर एंड इथाइल एल्कोहल अभी आया था एग्जांपल, अगर आपने ध्यान दिया हो तो फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पॉजिटिव डेविएशन, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसके साथ में सेकंड देखते हैं, क्योंकि अपने को फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव भी तो रखना है, तो ये देखते हैं। एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन ये एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का नहीं है, ये पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी अपना गलत है। एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। इसके साथ में एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दे रखा है, तो ये एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म ये नेगेटिव डेविएशन का हो गया, वो पॉजिटिव का, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं एक बार। बेंजीन ये तो नेगेटिव डेविएशन का है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म ये तो सेम ही हो गया, और ये बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज थर्ड करेक्ट।
कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन इसी तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं जिससे इसके आसपास की सारी बातें कवर हो जाए टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ग्लिसरीन इज एडेड टू 1 लीटर वाटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड। जब ग्लिसरीन को 1 लीटर जल में ऐड किया गया, मिलाया गया, तो क्या होगा ये कहा है। तो ग्लिसरीन का मतलब सॉल्यूट ऐड किया, बिल्कुल सॉल्यूट ऐड किया, और सॉल्यूट को ऐड करने पर ग्लिसरीन को ऐड करें मतलब ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी है। बिल्कुल, तो क्या करता है ग्लिसरीन, क्या करता है फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, डिकम करेगा। बिल्कुल ठीक है, तो वाटर इज इजीली इवेपोरेटेड, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, ये करेक्ट। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा सर ये जो है अभी आपने बोला एंटी फ्रीजिंग एजेंट, क्या मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग ये होता है कि जहाँ कोल्ड प्लेसेज है जैसे वहां कार को पार्क करते हैं, जैसे नाइट में तो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर -1 या -2 हो गया तो उसके अंदर अगर कूलेंट में अगर कार रेडिएटर में अगर एज ए कूलेंट अगर प्योर वाटर लेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, वो तो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज हो जाएगा इसका मतलब सर्कुलेट नहीं होगा। सर्कुलेट होने के लिए जरूरी है कि किस स्टेट में होना, लिक्विड में हो, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो इसको लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए क्या कर दोगे आप, इसमें सोल्यूट ऐड कर दो। अच्छा ठीक, जैसे आपने 1 kg वाटर के अंदर 1 mole सोल्यूट ऐड कर दिया है ना, 1 kg वाटर में 1 mole सोल्यूट का ऐड कर दिया है, नॉर्मल कह रहा हूँ जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ये -2 तक फ्रीज नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मतलब अब अगर बाहर का टेम्परेचर -1 भी हो जाए तो भी वाटर ये लिक्विड में रहेगा, और अगर आपने 1 kg के अंदर 2 mole ऐड कर दिए तो फिर -4 तक ये लिक्विड बना रहेगा। अच्छा मतलब -3 भी चला जाए टेम्परेचर तो भी लिक्विड रहेगा, तो भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इंजन डैमेज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर मान लो ये आइस में कन्वर्ट हो गया, प्योर वाटर लिया तो सर्कुलेशन नहीं होगा, इसका मतलब इंजन के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी। अच्छा, ड्यू टू हीटिंग। ठीक है ठीक है, तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है और इसको ग्लिसरीन को यूज किया जाता है। ओके, एक और बात है, आपको ये भी कहा जाता है कि अगर पर केजी प्राइस सेम है, अगर इनकी इनको भी ले सकते हैं मिथेनॉल इथेनॉल को भी, आपको कहे कि पर केजी की प्राइस सेम है मिथेनॉल की इथेनॉल की और ग्लिसरीन ग्लिसरीन ले लो, या फिर ये ले लिया आपने प्रोपेनॉल ले लिया, इनकी पर केजी प्राइस सेम है। ठीक है, 1 kg की प्राइस सेम है, इनमें से किसको परचेज करना बेनिफिशियल होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मतलब किसको परचेज करना चाहिए इनमें से पर केजी की प्राइस सेम, पर केजी प्राइस सेम है तो 1000 ग्राम मेथेनॉल को परचेज करना सबसे बेस्ट रहेगा। रीजन ये, रीजन 1000 ग्राम में इसके मोल ज्यादा है, और 1 mole तो किसी का भी हो फ्रीजिंग पॉइंट को तो 2 डिग्री सेल्सियस ही डिक्रीज करेगा। जैसे अगर आपको कहेगी आपके पास में पर केजी यूरिया की प्राइस भी वही है और पर केजी ग्लूकोज की प्राइस भी वही है, तो आप यूरिया को परचेज करोगे, क्योंकि 60 ग्राम यूरिया जो काम करता है ना, अगर वही काम ग्लूकोज से करवाना है तो 180 ग्राम लेना पड़ेगा, तो 3 times वेट लेना होगा, तो क्यों ले 3 times वेट। बिल्कुल, 1 mole यूरिया ऐड करेंगे तो भी अराउंड अगर कहे तो -1.86 है, -2 ले लिया, -2 डिग्री सेल्सियस ये भी पर केजी के अंदर ऐड करोगे ना 1 mole, तो -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा, वो भी -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा, तो ये परचेज करेंगे ना, कम अमाउंट में काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ठीक है, कम अमाउंट में काम हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि पर केजी की प्राइस 1000 rupees है तो यहाँ 60 rupees से ही काम हो जाएगा, 60 ग्राम है। ठीक है ठीक है, और वहाँ 180 rupees की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको परचेज करना ज्यादा बेहतर। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल था, कुछ भी था नहीं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, तो बेंजीन एंड टोलुइन आते ही आपके माइंड में आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आर मिक्स्ड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन प्योर स्टेट आर, यानी कि पी नोट टी एंड पी नोट बी, ये तो पी नोट बी हो गया। ठीक है, पी नोट बी ठीक है, और ये हो गया पी नोट टी। ठीक है, ये द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट इज, ये तो हमने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। बिल्कुल किया, वेपर में तो डाल्टन का लो और नीचे राउल्ट का लो, दोनों को कंपेयर कर, तो ये YB = आपने बताया था P0B XB डिवाइड बाय P टोटल। ठीक है, तो P टोटल कैसे बताएंगे, P टोटल तो अपने पास जो है P0B XB बिल्कुल प्लस P0A XA, वही अपन ने BOT ले लिया। अच्छा, टोलुइन और बेंजीन के लिए तो P0T XT। ठीक है, अब ये इक्वल मोल लिए, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन 1/2 यू। बिल्कुल, इसका मतलब पी नोट बी आपका दे रखा 700 × 1/2 यानी 350 अपॉन में, इसको टोटल करेंगे तो 350 और ये 600 टोटल हो जाएगा अपने पास 650 ये 6। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, मोर देन 0.5 आएगा, मोर देन 0.5 का स्लाइटली मोर देन 0.5 यानी 0.54। ठीक है ठीक है,
तो ये जो है वो क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी हमने इसको कवर किया था, इस टॉपिक को वापस से जो है वो थोड़ा सा अपना रिवाइज हो गया। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। आप इतने क्वेश्चन भी अगर देख लेते हो ना ऑनेस्टली अगर, और थ्योरी वगैरह अच्छे से करके, तो ये सफिशियंट है एग्जाम के लिए, सफिशियंट है, मतलब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बिल्कुल, एट 323 केल्विन द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर एन एमएम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ ए मिथेनॉल इथेनॉल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन पी इज इक्वल टू 120xA + 140। ओके, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, देन द वैल्यू ऑफ PA/XA पूछा है। कब XA 1 कर दिया, तब XA 1 कर दिया, इसका मतलब P नॉट A बताना। ओके, P नॉट A बताना, यानी प्योर मिथेनॉल का आपको वेपर प्रेशर बताना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, x a की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अपन राहुल लॉ के इक्वेशन को, तो ये p इज इक्वल टू ये होता है p नॉट a x a, ठीक है, प्लस में p नॉट b x b को रिप्लेस कर देते हैं, x b को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x a से, x a से, तो क्या आएगा p नॉट a x a, ये तो रही है, बिल्कुल, प्लस में p नॉट b 1 माइनस x a, ठीक है, तो ये p नॉट a x a प्लस कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू है 120, क्योंकि एक्स ए के साथ में ये और पी नॉट बी आ गया वहां से 140, यहां से पी नॉट बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 140, तो पी नॉट ए आ गया, दोनों को ऐड कर लो, पी नॉट ए इज इक्वल टू 120 प्लस पी नॉट बी, ठीक है, तो ये पी नॉट 260 आ गया, 260 ठीक है, 260 है, तो यही पूछा था अपन को प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, बिल्कुल, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स ए की 1 होने का मतलब ये हो गया कि प्योर ही ये है, प्योर ही पी नॉट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बोलते हैं, ये 1 हो गया तो दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर 260 हो गया, 260 है सर, और अगर पी नॉट बी कहे तो डायरेक्टली आ ही रहा, बिल्कुल, ये तो पी नॉट बी डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पी नॉट बी है 140 और पी नॉट ए है 260, ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सॉल्यूट ए इज एसोसिएटेड, एक तो एसोसिएशन होता है जहां पर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं, और एक डिसोसिएशन होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो यहां एसोसिएशन हो रहा है का इन सॉल्यूशन इन फॉलोइंग वे, यानी ट्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, थ्री पार्टिकल है, वन पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, If degree of association will be 60%, ठीक है, then value of one term factor iota will be, तो यदि डिसोसिएशन होता उस केस में जो रिलेशन आता है ना अल्फा एंड आयोटा में वो ये आता है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन में एन माइनस, ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बीटा से, क्योंकि इसको अल्फा से डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन और वो डिसोसिएशन, ओके, ठीक है, तो ये बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा एन आयोटा माइनस वन और ये वन माइनस है, ठीक, अब यहाँ एन क्या है, तो यहाँ पर तो एन है कि जितने मॉलिक्यूल वन मोल के डिसोसिएशन से कितने मोल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे अगर NaCl है वन मोल है तो डिसोसिएट होकर के टू मोल का फॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल, यानी कि एन इज इक्वल टू रख देंगे, सोडियम सल्फेट होता तो एन इज इक्वल टू 3 आ जाता, AlCl3 होता तो एन इज इक्वल टू 4 आ जाता, एल्यूमिनियम सल्फेट होता तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता तो अपने पास एन की वैल्यू आ जाती 5, बिल्कुल, दो तो एल्यूमिनियम मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ जो एन है वो है कि वन मोल के डिसोसिएशन से कितने मोल का फॉर्मेशन, कितने मोल बने, अब यहाँ जो एन है ना वो ये कह रहा है कि कितने मोल एसोसिएट होकर के वन मोल का फॉर्मेशन, अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ तीन मोल एसोसिएट होकर एक मोल बना रहे हैं तो एन इज इक्वल टू वैल्यू 3 आ, अच्छा, अब बीटा तो आपको दे रखा है 0.6, 60% है इसका मतलब 0.6 इज इक्वल टू एन, एन एन की वैल्यू 3, आयोटा बता रहे आपको आयोटा माइनस वन, 1 माइनस एन का मतलब ये माइनस 2 होगा, ठीक है, कैसे 1 माइनस 3, बिल्कुल, तो ये माइनस माइनस का 1.2 इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस माइनस 3, ठीक है, तो 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा इज इक्वल टू 1.8 अपने पास 1.8 आई इज इक्वल टू आ गया 0.6, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सर एक बार जो है वो अगर मान लो यहीं पर आपको ये बोलता कि
अल्फा की वैल्यू 60 है, 60% है, और फिर आई पूछ लेता मान लो डिसोसिएशन के लिए तो क्या करते, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है वन पार्टिकल थ्री में डिसोसिएट हो रहा होता, ठीक है ना, अपन ये कंसीडर करें कि ये जैसे ट्राइमर का फॉर्मेशन करा वैसे ही वन अगर थ्री में डिसोसिएट हो गया मान लो, और 60% आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होता, अल्फा दे रखा होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 इज इक्वल टू ये हो जाता आयोटा माइनस वन, ठीक है, और एन माइनस वन की जगह टू, अच्छा तो ये 1.2 प्लस 1 यानी 2.2, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आयोटा का क्वेश्चन था, अभी आयोटा का हम आगे क्वेश्चंस में काम में लेंगे, और भी यूज होगा आयोटा, ये अल्फा और आयोटा में रिलेशन है और ये बीटा और आयोटा में, अच्छा सर जो हमारे पास बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका ना तो एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन, उनके लिए आयोटा बन, उनके लिए आयोटा बन, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, उनके लिए बन लेते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6% वही डब्ल्यू बाई वी है जिसकी बात की थी अपने का लास्ट सेशन में की थी, 6% डब्ल्यू बाई वी एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशंस आर इक्वल देन दीज आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइपो और आइपर की बात की थी, तो यदि आइसोटोनिक अगर इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर तब आप कहेंगे आइसोटोनिक, ठीक है, तो ये आइसोटोनिक है विद 4% डब्ल्यू बाई वी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और दूसरा एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है और इनके पाई इक्वल है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन सॉल्यूशन विल बी, आयोटा क्या होगा, आयोटा बताएंगे फिर अल्फा बताएंगे, ठीक है, अल्फा पूछा है आपको, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, तो अपन ये नोट कर लेते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है, आइसोटोनिक है बिल्कुल, पाई किसके इक्वल होता है, आईसीआरटी के इक्वल होता है, तो आर ओ टी सेम है, तो आयोटा 1C1 इक्वल होगा आयोटा 2C2, ठीक है, यूरिया के केस में आयोटा अभी आपने डिस्कस की 1, ठीक है, तो यूरिया के लिए आयोटा 1C1, तो C1 के लिए अपन ये दे रखा है 6 डिवाइड बाय 60 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू इसका आयोटा बताना है आपको, इसके लिए ये दे रखा है 4 बाय 60 होता है एसिटिक एसिड का, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 60, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है 0.1, ये 0.1, ठीक है ठीक है, तो यहां से आयोटा 2 इज इक्वल टू आएगा 1.5, ओके, यानी आयोटा की वैल्यू आ गई, हाँ बिल्कुल I2 की वैल्यू आ गई, यानी एसिडिक एसिड के लिए आयोटा आ गया, अपने को अल्फा बताना था अभी आपको, बिल्कुल अल्फा आई माइनस वन, अल्फा इज इक्वल टू आपने कहा था आई माइनस वन अपॉन एन माइनस माइनस वन, तो एसिडिक एसिड के लिए एन इज इक्वल टू 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा क्योंकि एन प्लस और एसिटेट आयन दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो आयन मिलेंगे, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई कितनी 1.5, तो ये आ जाएगा 0.5 एंड 2 माइनस 1, ओके, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, अल्फा इज इक्वल 1.5, यानी कि ये 50% आ गया, बिल्कुल ठीक है सर, तो ये आंसर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपको कहा कि ये कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3HNH3, इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर शोज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू ये, डेल्टा टीएफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ आपको ये दे रखा है केल्विन में, केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी, अगर दे रखा हो तो भी ठीक है, नहीं दे रखा हो तो भी वाटर के लिए ध्यान भी रखना, एज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स को 100% आयोनाइज करना है, अल्फा उसका 1 लेना है, अरे हाँ बिल्कुल, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इज 6, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आपको आयोटा की वैल्यू बतानी है ओनली, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आई के एफ इंटू आयोटा इंटू मोलेलिटी इंटू के एफ, ठीक है, डेल्टा टीएफ आपको दे रखा है 0.558, ठीक है, आयोटा बताना है, फाइंड करना मोलेलिटी 0.1, ठीक है, केएफ 1.86, तो ये आयोटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 3, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 आयन देगा, बिल्कुल 100% आयोनाइज होकर के 3 आयन में डिसोसिएट होगा, तो फर्स्ट के लिए देखेंगे तो 1 मोल डिसोसिएट होगा 4 में, ठीक है, कैसे, एक तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और 3Cl-, इसका मतलब आयोटा 4 आता तो ये सही था, ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ये करेक्ट है, बिल्कुल, और इसके लिए अगर कहे तो आयोटा कितना आएगा 2 आएगा, और यदि ये इस तरह से नोट किया जाता कि आउटसाइड में होता ही नहीं, CO जैसे नोट कर रखा है और NH3 और Cl3 इस तरह से अगर होता तो आयोटा 1, क्योंकि ये तो आयोनाइज हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो आपका आंसर सेकेंड आएगा,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 एम एक्वस सॉल्यूशन। तो इनकी कंसंट्रेशन फिक्स है 0.01 एम है, जितने भी आपको फोर सॉल्यूशन दे रखे हैं फोर सॉल्यूशन की मोलरिटी सेम है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? आईसीआरटी, आयोटा सीआरटी। तो अब सी सेम है, आर ऑलरेडी सेम, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, पाई तो केवल आई पर डिपेंड करेगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो यानी आई ज्यादा होगा तो पाई ज्यादा। आयोटा देख लो, तो इसके लिए आयोटा कितना आएगा? 5, 4, 3 एंड 1। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हो गया कौन सा? पाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर डायरेक्टली वैसे ही होगा, बिल्कुल ये का ये हो जाएगा। सबसे कम जो है वो अपने पास सबसे ज्यादा पाई 1, फिर पाई 2, फिर पाई 3, फिर और लास्ट में पाई, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल, और ऑर्डर अरेंज करवा लेता है, बिल्कुल ठीक है। किसी का भी डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीएफ का, वेपर प्रेशर का, फ्रीजिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का। सर यहाँ मान लीजिए आपको अगर वो डेल्टा टीएफ या केवल फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेता तो इसको कैसे डील करते? केवल फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, डेल्टा टीएफ का बताते पहले, पहले डेल्टा टीएफ, बिल्कुल अच्छा ठीक है। तो डेल्टा टीएफ भी आई के प्रोपोर्शनल ही होगा, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा आ जाता, ठीक। लेकिन डेल्टा टीएफ और फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर सेम नहीं होंगे, क्यों? अच्छा, क्योंकि डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा, जैसे प्योर वाटर के केस में प्योर सॉल्वेंट का यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये 273 केल्विन। अगर आपको कहूं मैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ सॉल्यूशन का? 270, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और मैं दूसरे में कहूँ डेल्टा टीएफ इससे कम है, यानी डेल्टा टीएफ 2 ही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 271। जो डेल्टा टीबी का आएगा वही बॉइलिंग पॉइंट का आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, एड होता है बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ डेल्टा टीबी 2 है तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 102, फ्रीजिंग पॉइंट कम, ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर का कैसे रिलेट करें? वेपर प्रेशर का आयोटा अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर में भी लोअरिंग होती है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आएगा वही वेपर प्रेशर। अच्छा, जो फ्रीजिंग अगर आयोटा ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। फिर किसी का भी ऑर्डर अगर बताना हो तो अपन इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इफ द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय एसपीएम यानी सेमी परमेबल में? ऑस्मोसिस होगा किस केस में? ऑस्मोसिस होगा, तो ऑस्मोसिस किस केस में होगा? जब एक हाइपो और दूसरा हाइपर है तभी होगा, अगर आइसोटोनिक है तो नहीं होगा, अलग अलग है तो ही होगा, आइसोटोनिक है तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो आयोटा 1C1 इज इक्वल टू आयोटा 2C2 है तब नहीं होगा, ओके ठीक है। तो ये कहा है कि कौन सी स्थिति में होगा, ये कहा है, तो ये देख लो, फर्स्ट केस देखते हैं पहले कि होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो 0.1 × 2 इज इक्वल टू 0.2 × 1, बिल्कुल, इसका मतलब नहीं होगा, बराबरी आ रहा, पहले में नहीं होगा। दूसरे में चेक कर लेते हैं, तो सुक्रोज का जो है वो 0.1 × 1 नहीं होगा, यहाँ पर भी 0.1 × 1, यहाँ पर भी ये भी आइसोटोनिक होगा, बिल्कुल नहीं। थर्ड केस में देखते हैं तो 0.05 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 0.25, 0.1 × 3, ठीक है। तो ये 0.3 है, ये 0.25 है, इसका मतलब इस केस यहाँ अलग आ गया, तो यहाँ होगा, बिल्कुल, यहाँ भी चेक कर ही लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा इसका 3 × 10⁻³, और यहाँ ये 1.5 × 10⁻³ × 2 हो गए, तो दोनों इक्वली आ गए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक। तो कब होता है ऑस्मोसिस? जब एक हाइपर हो एक हाइपो हो, बिल्कुल तभी होगा, आइसोटोनिक होगा तो नहीं, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है, ठीक। हमेशा मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.01 एम Ab2 विच इज 10% डिसोसिएटेड इन एक्वस मीडियम एज A+2 एंड B- will be, ठीक है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, Ab2 का एक्वस सॉल्यूशन है और Ab2 में ये आयोनाइज हो रहा है, Ab2 A+2 और 2B- में आयोनाइज होगा, और आपको के भी दे रखा है वाटर के लिए, नहीं भी दे रखा होता तो अपने को वाटर के लिए के भी लेना ही होता है। तो सबसे पहले अपन डेल्टा टीबी बताएंगे, देन 373 में या 100 में डेल्टा टीबी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्या? I × m × kb, बिल्कुल। आयोटा फाइंड आउट करना होगा,
ठीक है। आयोटा के लिए अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू हमें पता है आई माइनस वन बाई एन माइनस वन होता है। तो अल्फा की वैल्यू 10% दे रखी है, यानी कि ये 0.1 हो गया, इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन में टोटल, ये 3 में डिसोसिएट होगा कैसे, ए प्लस टू ठीक है और टू बी माइनस, तो टोटल 3 हो गया, 3 माइनस 1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी अपने पास 1.22। आयोटा की जगह 1.2 रख देते, बिल्कुल। मोलेलिटी की जगह 0.01, बिल्कुल 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। और केबी की जगह 0.52, ठीक है ठीक है। तो 0.52 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, ठीक है, तो ये 0.6 के अराउंड आएगा, बिल्कुल। और ये 6 × 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, टोटल 3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये डेल्टा टी भी आ गया 0.0006। अच्छा, तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 100 पॉइंट ये हो जाएगा, और केल्विन में चाहिए तो 373 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। यानी टीबी सॉल्यूशन बता रहा है, तो टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट यानी माइनस 100 इज इक्वल टू ये, ओके, ये अगर केल्विन में चाहिए तो ये 373। अच्छा सर, इसको जो है ना, मतलब हम टीबी में कभी भी यूनिट की बात नहीं करते, डेल्टा टीबी में टेम्परेचर डिफरेंस में कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर आपको कहेगी ये 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर T1, तो केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 27 से 28 हो रहा है डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 301। अच्छा ठीक है, तो केल्विन में डिफरेंस, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस, अच्छा जो डिफरेंस होता है वो यूनिट का कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस दोनों में इक्वल रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 373.006, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो प्योर वाटर का होता है 100, बिल्कुल, यानी 373 केल्विन, और 373 ऑप्शन ज्यादा ऑप्शन, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सबस्टेंस ई टेट्रामराइजेस यानी टेट्रामर का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 पार्टिकल 1 का फॉर्मेशन में जा रहे हैं, हाँ, टेट्रामराइजेस इन वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 80% टेट्रामराइजेशन, बीटा की वैल्यू 80 बिल्कुल है, ठीक, 0.8 हो गया, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ई इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.3 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी टीएफ गिवन है, द मोलर मास ऑफ ई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यही फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम या एम इंटू के एफ, डेल्टा टीएफ 0.3, ठीक है। आयोटा, तो आयोटा अपने को बताना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करो। तो हमें पता है कि भैया आई इज इक्वल टू अपने पास होता है 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 0.8 दे रखी है, बिल्कुल, तो यहां पर आ जाएगा 0.2 प्लस बीटा की वैल्यू 0.8 बाई एन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 4, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0.4, ये आ गई आई की वैल्यू, आयोटा इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। मोलेलिटी के लिए वेट नोट करेंगे, तो वेट ऑफ 2.5 ग्राम, 2.5 मोलेक्युलर वेट आपको बताना, ओके, 100 ग्राम वाटर है तो 0.1 केजी, ठीक है। केएफ, तो वाटर के अंदर है, केएफ अगर नहीं दे रखा है तो 1.86, ठीक है सर। तो यहां से ये मोलेक्युलर वेट फाइंड आउट करना है, तो मोलेक्युलर वेट फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, ME इज इक्वल टू 62 आएगा, तो ये 1.86 0.4 इनटू 2.5 यानी 1 आ गया, 1.86 अपॉन में 0.03, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हुआ 62, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। सिंपल सा काम है, लेकिन बस आई का कंसेप्ट ध्यान में रखना है, हाँ, आयोटा बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा सर, एक बात बताइए, हाँ, कि अगर मॉलिक्यूलर वेट से याद है कि एक तो होता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, एक होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या इन दोनों की टर्म में भी हम आई निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं ना, अपन आयोटा जो बताते हैं ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जर्व अपॉन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है थ्योरेटिकल, ठीक है, ऑब्जर्व अपॉन में थ्योरेटिकल। अब जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आना चाहिए था 10 और ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 20 मिला है, अच्छा, इसका मतलब आयोटा 2 है, ओके, एक्सपेक्टेड ये था, थ्योरेटिकल ये था और ऑब्जर्व ये हुआ, इसका मतलब वहां डिसोसिएशन हो रहा है, तभी तो वो ज्यादा आया है, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड, बिल्कुल, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मिली है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है।
तो आयोटा इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अगर 10 एक्सपेक्टेड थी और अगर 5 आई है तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, और अगर 10 ही एक्सपेक्टेड थी 10 ही आई है इसका मतलब नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं हुआ, कोई डिसोसिएशन नहीं। अब कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो ना, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा, कॉलिगेटिव कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो आयोटा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बता सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, ओ बाई टी था तो यहाँ टी बाई ओ आ जाएगा, एम थ्योरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में अगर आई निकालना हो तो ऐसा, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स, मोलर एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल, इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड जिसका वेपर प्रेशर है 854, ठीक है, इज 848.94, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये दे रखा है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉल्यूट इज, ठीक है, तो आइदर तो अपन ये देख सकते हैं कि x की फॉर्म में होगा, x2 की फॉर्म में, x4 की फॉर्म में, या x8 की फॉर्म में। कहने का मतलब ये अगर है तो डाइमर हो गया, ये तो टेट्रामर हो गया, ऐसे ही ऑक्टोमर हो गया, ठीक है, और ये या फिर सिंपली कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन ना डिसोसिएशन, ठीक है। तो अपन आयोटा की वैल्यू बता करके भी कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट बता करके भी कर सकते, जैसा अभी अपने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, बिल्कुल ठीक है। तो अपन यहां से देखते हैं कि तो ये फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में पी सॉल्यूशन इज इक्वल, ये इक्वल होता है एनए बाई एनबी के, बट यहां में आयोटा एनए बाई एनबी एनबी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना, तो डेल्टा पी कितना, तो ये डिफरेंस हो गया 5.1 का हो गया, 5.1, ठीक है। अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 848.9, बिल्कुल ठीक है। आयोटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, एनी यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 2 ग्राम है और उसका मोलर मास 32 है, तो 1/16 आ गया, बिल्कुल 1/16। एनबी यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 बाई इसका हो जाएगा 76 ऊपर चला गया, तो यहां से आयोटा बताओगे तो 1/8 आएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू आ गया 1/8। अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि आयोटा की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो ये तो एसोसिएशन का केस है, बिल्कुल, तो यानी यहां एन की वैल्यू 8 आ जाएगी, बिल्कुल, यानी कि अगर एन की वैल्यू 8 आ रही है यानी ऑक्टामर बनाएगा वो, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब और दूसरे फॉर्मूले से डायरेक्टली यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट रख करके भी कर सकते थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपन रख करके कर सकते थे, जैसे अपन ने ये लिया ना यहाँ पर 2 अपॉन में 32 लिया, ये अगर नहीं लेते तो डायरेक्टली वहां से मॉलिक्यूलर वेट ही आ जाता, ठीक है, जो आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल, और एम थ्योरेटिकल 32 दिया है, हां, तो डिवाइड कर देते पता लग जाता कि कितने का एसोसिएशन हुआ है, कितने पार्टिकल, यानी दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, सही है, तो प्रेशर कोई भी हो यूनिट हमेशा सेम ही रहे, बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। तो पहले तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये मैं बता देता हूँ, एक स्पॉन्टेनियस जो ऑस्मोसिस होता है ना उसमें तो मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, कम कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है थ्रू एसपीएम, ठीक है। अब अगर अपने को ये ऑस्मोसिस नहीं होना देना, इस साइड में अपन प्रेशर अप्लाई करें, अच्छा ठीक है, उतना ही प्रेशर अप्लाई करना होगा जितना प्रेशर ये यहाँ करके डेवलप करते, ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, इक्वल प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनका इस साइड में मूवमेंट रुक बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, बिल्कुल। इफ अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अब उससे भी ज्यादा लगा दिया तो फिर किस साइड से किस साइड जाना शुरू करेंगे, अब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। घरों में जो आरओ सिस्टम लगाते हैं ना, अच्छा आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, बिल्कुल, अच्छा, तो ये इसी पर बेस्ड है।
ठीक है ठीक है। तो यहाँ ये मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन नहीं होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इधर प्रेशर लगाया तो इधर गया, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत है, ठीक है, बिल्कुल। ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को, यानी सेलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मींस केएफ, केएफ, केएफ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पर डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बेंजीन के लिए अलग वैल्यू होगी, वाटर के लिए अलग वैल्यू होगी, बिल्कुल केएफ है या केबीबी जो है वो भी तो सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करता है। तो ये ऐसे बताया जाता है RTF स्क्वायर अपॉन में 1000 एलए, तो केएफ इज इक्वल टू अपने पास RTF स्क्वायर 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा यहां, ओके हां वेपराइजेशन नहीं है, अगर केबी होता तो फिर एलबी आ जाता, LF ठीक है, और LF हम ये बोलते हैं डेल्टा HF अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल ठीक है, ओके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डाइमेंशनलेस क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि RL फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, कहीं पर भी ये वर्ड लग जाता है इसका मतलब रिलेटिव चीज है, तो रिलेटिव है तो हमेशा डाइमेंशनलेस होगी, और यहां पर भी ये होता है डेल्टा पी बाई पी लोड, तो ये भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की यूनिट वही होगी जो वेपर प्रेशर की यूनिट है अपॉन में वेपर प्रेशर है, तो ऑब्वियसली डाइमेंशनलेस, जैसे ऐसा ही केस अपने पास वेपर डेंसिटी में भी था, बिल्कुल ठीक है, तो वेपर डेंसिटी भी यूनिट लेस होती है क्योंकि वो भी रिलेटिव डेंसिटी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है सर, विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज आइडियल, तो अपन ने आइडियल का एग्जांपल बताना है, तो जनरली ऐसा नहीं है कि सारी एग्जांपल हम बता देंगे, आप हमेशा ध्यान रखना कि पेयर में दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, अगर वन पोलर है तो सेकंड भी पोलर होना चाहिए, वन नॉन पोलर है तो सेकंड भी नॉन पोलर होना चाहिए, या अगर एक्स्ट्रा कोई बॉन्डिंग है ना जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो फर्स्ट में है तो सेकंड में भी होना चाहिए, और जनरली ऐसा होता है होमोलोगस सीरीज में, बिल्कुल ठीक है, होमोलोगस सीरीज जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 14 का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 का डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है, तो ये देख लो हेक्सेन एंड हेप्टेन जो है, बिल्कुल ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, दोनों ही एल्केन है, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ये इसलिए लिया कि लिक्विड यहीं से स्टार्ट होते हैं, मीथेन और इथेन जो है ये गैस से लेके चार तक और फिर नियोपेंटेन ये तो गैसीय स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ये हेक्सेन और हेप्टेन, ठीक है, अच्छा मतलब कुल मिला के बॉन्डिंग दोनों में एक जैसी हो, दोनों में एक ही तरह के फोर्सेस हो, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन बनाए, बिल्कुल ठीक है। वो नेक्स्ट पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ये नेगेटिव का और फोर्थ भी नेगेटिव, ठीक है ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डेल्टा टीएफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये अभी अपन ने इस क्वेश्चन पर चर्चा करी थी, ऐसा ही क्वेश्चन पाई वाला जो क्वेश्चन था उसमें, उसमें मतलब जो डेल्टा टीएफ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डेल्टा टीएफ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो डेल्टा टीएफ किस पर डिपेंड करेगा, आयोटा इंटू मोलैलिटी, अच्छा तो आयोटा इनटू मोलैलिटी फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, इसके लिए आयोटा कितना आएगा, अच्छा सर ये तो मोलैलिटी गिवन है, तो अब क्या करें, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इक्वल होते हैं, अच्छा वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, क्योंकि हम जब भी क्वालिटी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, हां क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रिजल्ट तभी बेटर आते हैं जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, अच्छा ठीक है, और रिजल्ट बेटर आने का मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं, अच्छा और वो उतना ही करेक्ट आएगा जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, ओके तो डाइल्यूट के लिए ही कांसेप्ट है, और डाइल्यूट के लिए कांसेप्ट है इसका मतलब स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सेम लेंगे, तो यहाँ कैपिटल एम दे रखा है तो अभी स्मॉल एम के इक्वल लेंगे, और इक्वल ले लेंगे इसका मतलब 0.075 इनटू 2 तो 0.15 ठीक है, ये आएगा यहाँ चेक कर ले तो 0.060 इनटू 3 बिल्कुल, ये अपने पास आ जाएगा 0.18 0.18 बिल्कुल, ये 0.14 इनटू 1 यानी सेम रहेगा 0.41 और उसके लिए देख लो चेक कर लेते हैं तो ये आएगा 0.12 ठीक है, तो देखो देखो मिनिमम किसके लिए आ रहा है, तो सबसे मिनिमम इसके लिए आ रहा है, मतलब सबसे मिनिमम जो प्रोडक्ट है आई इंटू एम का वो इसके लिए आ रहा है, इसके लिए डेल्टा टीएफ मिनिमम है किसके लिए, डी के लिए, ठीक है डी के लिए डेल्टा टीएफ मिनिमम है, इसका मतलब जो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम मैक्सिमम आएगा, तो यानी डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल, फिर इसके बाद अपने पास अगर अरेंज करें तो है सी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, ये ऑर्डर आना चाहिए सर, डी सी ए बी बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन पर पहले चर्चा कर ली थी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 है,
द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब आयोनाइज नहीं करने अपने, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इसका मतलब उसी फॉर्म में ही रखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एक्स वाई टू और एक्स वाई फोर, तो आयोनाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड आ गया तो ये नहीं करना था, अदरवाइज अपन आयोनाइज करते फिर उसको आयोटा को इंक्लूड करते, नहीं तो आपको आयोटा नहीं लेना है, कोवेलेंट कंपाउंड है जस्ट लाइक यूरिया ग्लूकोज मोनोमर उसकी तरह। ठीक है, तो द एलिमेंट एक्स एंड वाई फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्स वाई टू एंड एक्स वाई फोर व्हेन डिसॉल्वड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम एक्स वाई टू लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री। इसका मतलब डेल्टा टीएफ दे रखा है, वेयर इज 1 ग्राम ऑफ एक्स वाई फोर, 1 ग्राम एक्स वाई फोर का मिलाया लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 डिग्री से, यानी ये मिलाते हैं एक्स वाई टू मिलाते हैं तब तो 2.3 डेल्टा टीएफ आता है, और अगर इसको ऐड करते हैं 1 ग्राम को तो ये आ रहा है 1.3। ठीक है, द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1, देन द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो एक का एटॉमिक वेट आप ए ले लो स्मॉल ए, दूसरे का बी ले लो, या फिर मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली फाइंड आउट कर। बिल्कुल, तो स्टार्ट करो। बिल्कुल, देखो करते हैं। तो डेल्टा टीएफ सबसे पहले वाले के लिए इज इक्वल टू केएफ इनटू एमएम। ठीक है, क्योंकि आयोटा इसके लिए वन आएगा, ये बात हो चुकी। तो डेल्टा टीएफ जो है वो हमें पहले वाले के लिए दे रखा 2.3 इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू 5.1 और मोलैलिटी 1 ग्राम सॉल्यूट, 1 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक्स वाई टू का है ना, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम, और ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है सर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। हाँ, यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। बिल्कुल, फिर ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए, उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा एक्स वाई फोर के लिए, दो इक्वेशन बनेगी और वहां से अपन क्या कर देंगे एक्स और वाई का एटॉमिक वेट। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकंड के लिए बात करें तो ये डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू वही 5.1 इनटू क्या 1000 1 बाय अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका एक्स फोर का एक्स वाई फोर का इनटू वही 20 इनटू 1000। तो यहां से इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, वहां से उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एम एक्स वाई टू ये हमारे पास आएगा 110.86। ठीक है, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम एक्स वाई फोर ये हमारे पास आएगा 196.15। इसका मतलब इसके एटॉमिक वेट को मैं स्मॉल ए और उसको बी ले लूं तो ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू ये 196 रख लिया अगर कहे तो पॉइंट, और वो हो जाएगा ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 110। तो इसमें से ये माइनस कर देते तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2b is equal to अपने पास आएगा almost 85 के 86 के। तो इसका मतलब b is equal to 86/2 यानी 43 के अराउंड, तो 43 के अराउंड b आएगा, तो 43 के अराउंड एक ही ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट वाले में 43 के अराउंड। बिल्कुल, ठीक है, तो वैसे ही फिर ये बता दें तो बाकी सेकंड इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम। बिल्कुल, तो अच्छा सर इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर, हां डायरेक्टली अपन यहां से ये कर सकते थे, मतलब रेशियो आ जाता है यहाँ से क्योंकि वेट्स दोनों में ही 1:1 कुछ सेम है इनका, तो मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो यहीं से आ जाता है। बिल्कुल, और रेशियो आ जाता है उसके बाद में फिर फॉर्मूले वही बनते हैं ए प्लस फोर बी और ए प्लस टू बी, रेशियो आ जाता है वहां से ए और बी में रिलेशन आ जाता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, ए का एटोमिक वेट और बी के एटोमिक वेट में क्या मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। On dissolving 3.24 gram sulfur in 40 gram benzene, the boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.80 Kelvin. यानी डेल्टा टी भी दे रखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर विल बी, ये बिल्कुल अभी अपन ने क्वेश्चन किया था उसी एक्स का जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ही है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर। पहले आप या तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट बता दो और उसको फिर डिवाइड कर दो, क्योंकि सल्फर के लिए अपने को पता है कि 32 होता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में होगा ये पता लग जाएगा, या फिर आयोटा बता। बिल्कुल, तो करो, देखिए करते स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है कितना 0.80 यानी डेल्टा टीबी ये दे दिया कितना 0.80। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी, केबी जो है वो वाटर के लिए होता है, वाटर नहीं है यहाँ बेंजीन है, बेंजीन है तो बेंजीन का अपन को दे 2.54 इनटू एम, तो एम जो है वो हमारे पास कितना है 3.24 डिवाइड बाय सल्फर का 32 और ये 40 और 1000 और ऊपर कर देंगे 1000। ठीक
ठीक है, तो यहाँ से आयोटा बता देंगे बिल्कुल, और आयोटा यहाँ से आएगा वन बाई जो है वो वन बाई एट, ठीक है बिल्कुल, तो आई की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/8, तो इसका मतलब वही आ गया एन की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और अपन अगर इस फॉर्म इस क्वेश्चन को अगर वैसे करते आयोटा की कोई जरूरत नहीं, मोलिकुलर वेट जो आता ना यहाँ से ये 30 को नहीं रखना था, मोलिकुलर वेट ऑब्जर्व्ड रख देते, एमओ मान लेते बिल्कुल, तो यहाँ से अगर है ना एमओ एमओ निकालते हैं तो ये एमओ जो है वो हमारे पास आता 257 या 256 के अराउंड, उसको 32 से डिवाइड कर तो भी पता लग जाएगा कि किस फॉर्म में एटोमिसिटी आ जाएगी, मतलब किस फॉर्म में ये पता लगे, ठीक है ठीक, तो या तो थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट बता दो या फिर आयोटा बता करके थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट बता, जो जो बेटर लगे जो भी बेटर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट में देखते हैं 5% एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का और KCl का आर सेड टू बी आइसोमोलर यानी इनकी मोलरिटी सेम होगी, ये तो सर हो ही नहीं सकता क्योंकि मोलरिटी सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके मोलिकुलर वेट सेम नहीं, मोलिकुलर वेट इक्वल नहीं है बिल्कुल, ठीक है तो मोल सेम नहीं, इसका मतलब 5 ग्राम है दोनों के, 5 ग्राम है मास इक्वल है और सेम वॉल्यूम में 0.1 लीटर में दोनों ही, बट ये 58.5 है और यहाँ देखोगे 39 + 35.5 है तो 74.5 है, इसका मतलब दोनों के लिए आइसोमोलर नहीं है, तो यही इनकरेक्ट हो गया। बाकी के भी देख सकते हैं अपन, 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन एंड 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मींस बिल्कुल आइसोटोनिक मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन, अगर i into c का प्रोडक्ट दोनों के लिए इक्वल आएगा हां बिल्कुल तो आइसोटोनिक होंगे, तो ये i 1 into 1 1 1 तो इसका मतलब ये सही, ये करेक्ट है, करेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर नहीं है। मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इज हायर देन नॉर्मल मास इन क्रायोस्कोपिक मेथड, ये लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन की, किसी भी मेथड से अगर देखेंगे ना एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर वेट अगर किसी भी मेथड से देखेंगे इन बेंजीन सॉल्वेंट, इन बेंजीन इसमें वैसे सॉल्वेंट को मेंशन नहीं किया गया लेकिन फिर भी बेंजीन, अगर बेंजीन लेंगे अगर वाटर के अंदर लेंगे तब तो ये डिसोसिएट होता है और अगर बेंजीन के अंदर लेंगे तो एसोसिएट होगा, तो डाइमर की फॉर्म में रहता है तब इस केस में इसका मोलिकुलर वेट है मोर देन थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट है, ऑब्जर्व मोर देन आएगा क्योंकि उस केस में आयोटा क्या होगा, आयोटा इसका लेस देन 1 होगा, जनरली डाइमर की फॉर्म में रहते हैं बेंजीन में, ये केस आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेते हैं, डाइमर उस साइड में भी ये मोलिकुलर, तो ये कुछ ऐसे अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच और ये सी एच 3, तो ये अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल, ठीक है। फॉर द सेम सॉल्यूशन डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी बाय के, सेम सॉल्यूशन है मोलैलिटी इक्वल होगी दोनों बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, और आई भी इक्वल होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ तो रेशियो सेम है, इसका मतलब ये है सेकंड नहीं, इसने पूछा है सही स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है तो फर्स्ट आएगा, हां फर्स्ट आएगा ये और ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है ठीक, तो ये था अपना सॉल्यूशन टॉपिक जो अपन ने 2 पार्ट में कंप्लीटली बिल्कुल सॉल्यूशन फर्स्ट में और सेकंड में पूरा सॉल्यूशन अपना कवर हो चुका है, अगर आप इतने क्वेश्चन भी ध्यान से कर लेते हैं तो रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका गुरु नीति से बेटर नहीं है, क्यों सर बिल्कुल, तो इसका लिंक आपका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गुरु नीति से सीएलसी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।